लो पर राज कर रहे थे, हमारे बीच नहीं रहे। जी बहुत मुझे भी सुन के बड़ा शॉक लगा, क्योंकि मेरे काफी अच्छे दोस्त थे वो और काफी अच्छे रिलेशन थे, और तो जब कोई अपना चला जाता है तो दुख तो बहुत होता है, बस उन सब्र दे और क्या कह सकते हो, और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि मालिक उनको भी सुकून दे। स्माइल साहब, आपके इस दर्द को यहाँ समझा जा सकता है, हम चाहेंगे क्योंकि करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं कोई ऐसा अनुभव जो आप उनकी जिंदा दिली को लेकर यहाँ हमसे बांटना चाहें। जी देखो, उनकी जिंदा दिली जैसे हमने बिग बॉस साथ में किया हुआ था, तो काफी टाइम हम साथ में ही रहते थे 24 आवर्स, तो वो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर हम लोग ने काफी काफी समय एक साथ गुजारा, तो बहुत बहुत मतलब सादगी भी मैंने उस आदमी में उतनी ही देखा था और जिंदा दिली भी उतना ही देखा था। जब भी मैं उदास हो जाता था तो मेरे पास आके कुछ आसाना, मुझे ये करना और मुझे हिम्मत देना, तो एक जिंदा दिल आदमी ही कर सकता है जो दूसरों को हिम्मत दे सकता है, हंसा सकता है, खुश रख सकता है, तो राजू श्रीवास्तव एक जिंदा दिल इंसान तो थे। स्माइल साहब क्या कहेंगे आप, बहुत कम शख्सियत होती हैं जो कामयाबियों की बुलंदी तक पहुंचती है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं, और राजू श्रीवास्तव उन्हीं में से एक थे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा है एकदम, मुझे मैं यही कहना चाह रहा था कि वो कितने भी बड़े बन गए थे, जितने भी फेमस हो गए थे, जितना भी उनको पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा दे रही थी, लेकिन उस आदमी ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, हमेशा एक नम्रता से पेश आना, मतलब उनकी अच्छाइयां बहुत सारी थी। अभी ऐसे वक्त तो वैसे भी दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि अभी इस वक्त सिर्फ राजू जी के बारे में सोच के सिर्फ दुख के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, और अचानक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं बात मतलब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूँ उनके बारे में। स्माइल साहब, समझा जा सकता है आपके दर्द को, इस वक्त पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कल तक जो हंसने और हंसाने वाली शख्सियत हमारे बीच में थी वो अब नहीं रही हैं। लेकिन इस्माइल साहब, आपको लगता है कि बहुत कम ऐसी शख्सियत होती हैं जिनकी जगह आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, और राजू श्रीवास्तव उन्हीं शख्सियतों में से अब इतिहास के उन पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, बस उनकी यादें रहेंगी अब हमारे बीच। बिल्कुल बिल्कुल, यादें भी रहेगी और राजू हमारे बीच हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आत्मा चली जाती है, मेरा कहने का मतलब इनकी बॉडी चली गई, आत्मा चली गई, सब कुछ चले जाएगा, लेकिन जब भी हम इनको याद करेंगे तो ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये चले गए, ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे।